यस सर, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। हम लोग रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में है और हम ये ऐसे सॉल्यूशन देते हैं कि रात को गाड़ी में आइसक्रीम रख के चार्जिंग करो और दिन में 12 घंटा उसको मार्केट में लेके जाओ विदाउट एनी इंजन पावर और विदाउट एनी मेंटेनेंस। ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा पिकअप हो रहा है। और खाद्य खुराक में पहले तो हम लोग एज अ विजिटर आते थे, ये फर्स्ट ईयर है हम लोग यहाँ पे एज अ एग्जिबिटर आए हैं। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला साल है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज पहले साल में हम पहले ही दिन मिल रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। सो खाद्य खुराक ऑलरेडी एक इतना बड़ा हिमाचल भाई ने इतना बड़ा हिमालय जैसा ऐसे ब्रांड बनाया है, तो हमें स्टार्टिंग के ही 2 घंटों में काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला और काफ़ी वॉकिंग्स थे और फैंटास्टिक। मतलब ये जो शो का हमने सिर्फ सुना था खाद्य खुराक, आज हमने महसूस किया। तो पहले हाफ में ही मैंने और डैडी ने डिसाइड किया कि अभी जितने साल खाद्य खुराक, हम हर एक साल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, क्योंकि आपने बताया कि पहले ही दिन में आगे के 2 घंटे में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब कहाँ से कैसे कस्टमर मिल रहे हैं, कहाँ से बायर्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। यहाँ पे लोकल काफ़ी छोटे छोटे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज हम यूनिलीवर, वाडीलाल, हैवमोर, ये बड़े कंपनीज हमारे तक पहुँच सकते हैं, बट छोटे छोटे प्लेयर्स जो है जिन्हें पता ही नहीं कि ऐसी भी मशीन हो सकती है, वो हमारे पास आए और वो काफ़ी सरप्राइज थे, कोई ने तो इधर ही हमें ऑर्डर दे दिया है। तो ये बहुत लोग ऐसे थे कि बोले हमने वालकेज ये ब्रांड देखा है, सुना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, आज आपके उधर देख के आप यहाँ है। अच्छा। तो हमको आपका एड्रेस मिला और हम ऑर्डर देना चाहते हैं आपको। तो ये प्लेटफॉर्म की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट पीपल टू पीपल मार्केटिंग, यू गेट इट। ओके, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने आज पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ का एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़ और यहाँ का एटमोसफियर आपको कैसा लग रहा है? तो मैं वही कहने वाला था, क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों को बोला कि हम खाद्य खुराक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत केओस रहेगा, बहुत लोग आएंगे, बट जब मैंने देखा यहाँ पे, अभी 2 महीने पहले मैं जर्मनी गया था, वहाँ एक रेफ्रिजरेशन फेयर होता है चिलवेंटा, तो वो लेवल का यहाँ पे, मतलब अलग, इतने बड़े हॉल्स है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, दैट्स गुड। एट द लास्ट आई वांट टू आस्क यू, टू बोथ ऑफ यू, हाउ मच स्टार विल यू रेट टू दिस एग्जीबिशन आउट ऑफ 5? आई वुड रेट 7 स्टार्स। 5 में से आप कितने स्टार देना चाहेंगे? पूरे 5 दूंगा। और लास्ट में, वेरी हैप्पी, एंड आपके तो हम लोग अभी परमानेंट एग्जीबिटर हो गए, ये समझ लेना, अगले साल के लिए इस साल 4th दिन ये एडवांस देके जाएगा। और एक क्वेश्चन बाकी अभी पेपर का, कि लास्ट में ये पूरे एग्जीबिशन को अगर आपको एक शब्द में बताना है तो क्या कहेंगे? अद्भुत। बहुत ही एक्सप्लोसिव है, क्योंकि कोई खाद्य खुराक नाम सुन के सोचता है कुछ, मतलब खाने का है, बट यहाँ पे इतना वाइड एग्जिबिटर्स है, मतलब आज मैं अगर मेरी मार्केटिंग कॉस्ट एनुअली देखूँ और ये एग्जिबिशन की कॉस्ट, तो दिस इज़ अ नो ब्रेनर, लाइक फैंटास्टिक, गुड जॉब। एक शब्द में आपको कहना है तो क्या कहेंगे? एक शब्द में तो नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि इतने साल हम यहाँ क्यों नहीं आए, इसी का हमको अब ये गम है, पश्चाताप होता है कि इतने साल हम क्यों नहीं आए, ये 10 साल पहले से अगर शुरू करते तो आज हम बहुत आगे गए होते। थैंक यू, यस थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।